ना कोई अंडा, ना कोई अवन, ना ही मैदा और ना ही किसी दही या फिर कंडेंस मिल्क का हम यूज़ करेंगे, ना बेकिंग सोडा, ना ही बेकिंग पाउडर और ना ही कोई कुकर कढ़ाई चाहिए। घर के नॉर्मल पतीले में बनाएंगे। आज हम ये सूजी से बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है ये केक। तो आज ये ड्राई फ्रूट्स मिल्क केक हम सूजी से बनाने वाले हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही लाजवाब बनता है। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें हर नई रेसिपी की वीडियो देखने के लिए। तो फिर चलिए सुपर सॉफ्ट केक को बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले यहाँ पर हमने एक बर्तन को प्रीहीट करना है जिसमें आप इस केक को बनाने वाले हैं। कुकर, कढ़ाई या फिर पतीला कुछ भी ले सकते हैं। 10 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे प्रीहीट करने के लिए इसे छोड़ दीजिए। दूसरा हमें क्या करना है, केक टिन को तैयार करना है। तो यहाँ पर आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं केक बनाने के लिए, जो आपके पास है वो ले सकते हैं, पर ध्यान रखें कि ऊपर से उसका मुँह इस तरीके से खुला होना चाहिए ताकि जो केक है आसानी से बाहर आ जाए। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसमें बटर या फिर तेल अच्छे से लगाना है ताकि जो केक है चिपके ना इसमें। और आप क्या कर सकते हैं, इसे मैदे से डस्ट कर लीजिए या फिर आप मेरी तरह बटर पेपर लगा लीजिए इस तरीके से, तो इससे केक बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और बहुत ही आसानी से केक टिन से बाहर आ जाएगा। तो इसे लगाने के बाद भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। तो अब हमारा केक टिन भी रेडी है, इसे भी हम साइड रखते हैं। तो अब यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं, इसमें डाल देते हैं दूध। तो यहाँ पर हमने 1 कप से थोड़ा सा कम दूध लिया है, आप देख सकते हैं दूध थोड़ा गर्म होना चाहिए। इतना गर्म लेना है कि हम इसमें हाथ डालें तो हाथ हमारा जले नहीं। तो दूध गर्म होना चाहिए, गुनगुना नहीं, थोड़ा सा गर्म लेना है। अब इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर 1/2 कप भर करके मैंने चीनी डाली है। अगर आप थोड़ा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा 1 टीस्पून इसमें चीनी और डाल सकते हैं, यानी कि 1 चम्मच चीनी। अब चीनी और दूध को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि चीनी है अच्छे से घुल जाए दूध में। और अब इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा। 1/4 कप नारियल का बुरादा लिया है, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा केक में। साथ ही मैं इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/3 कप मिल्क पाउडर। तो ये आजकल बहुत ही ईजिली मिल जाता है, किसी भी किराना स्टोर पर आपको इसका छोटे छोटे पाउच मिल जाते हैं 10 रुपये के, तो आप ले सकते हैं। इससे बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्ट ये केक बनेगा। तो इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। अब बारी आती है इसमें सूजी डालने की। तो यहाँ पर सूजी हमने एकदम बारीक वाली लेनी है, जो महीन वाली सूजी होती है ना, बस वही लेनी है। अगर आपके पास महीन वाली सूजी नहीं है तो आप मोटी वाली ले सकते हैं, पर उसे आप पीस लीजिए मिक्सर जार में अच्छे से, उसके बाद आप ये केक बना सकते हैं। तो आपका केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसे सूजी से बनाया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अब इसे रेस्ट के लिए हम 10 मिनट के लिए रखेंगे, और 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी मत रखिएगा। 10 मिनट में ही आप देखेंगे कि सूजी थोड़ी सी फूल जाएगी, देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है ये। अब हम इसे अच्छे तरीके से 1 मिनट के लिए फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली लम्स बिल्कुल भी ना रहे। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही लाजवाब ये केक बनता है। तो अब इसे फेंटने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो हो वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच के करीब यहाँ पर बादाम डाल दिए हैं, मोटे मोटे कट कर लिए हैं। तो जितने बादाम डाले थे उतने ही हमने काजू डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको अलग लग रही होगी क्योंकि मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप रेसिपी पे ध्यान दें, मेरे गले पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, उसे इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब ही टूटी फ्रूटी मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं लाल कलर की डाल रही हूँ, आप पीली, हरी कोई भी मिक्स करके भी डाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आटा डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि जो टूटी फ्रूटी है ना नीचे केक में जाके बैठे नहीं। इस तरीके से केक में हम टूटी फ्रूटी डालते हैं ना मैदे में या फिर आटे में मिला करके, तो टूटी फ्रूटी ना चारों तरफ केक में फैल जाती है, नीचे बैठती नहीं है। 1/2 छोटा चम्मच के करीब वेनिला एसेंस डाल दीजिए या फिर बटर स्कॉच एसेंस डाल दीजिए। अगर दोनों ही नहीं है तो यहाँ पर आप 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डाल दीजिए, हरी इलायची का। अब इसे बाइंडिंग देने के लिए यहाँ पर आप आटा यूज़ कर सकते हैं या फिर मैदा यूज़ कर सकते हैं, मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच मैदा डाल दिया है और 2 टेबल स्पून यहाँ पर भरकर हमने रिफाइंड ऑयल डालना है। कोई भी अनफ्लेवर ऑयल डालिएगा, फ्लेवर ऑयल नहीं डालना है। इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, जो मैदा है इसमें बाइंडिंग का काम करेगा तो केक हमारा और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ ईनो। यहाँ पर अगर आप ईनो का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है आपको, और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है। तो आपका केक बहुत ही अच्छे से फूलेगा और बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। तो चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम, पर हल्के हाथों से मिक्स करना है ईनो डालने के बाद।
तो यहाँ पर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का अगर आप यूज़ करें तो उसमें आपने थोड़ा सा विनेगर भी डालना है 1 टीस्पून के करीब, ताकि वो अच्छे से एक्टिवेट हो सके। ठीक है, चलिए इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा गाढ़ा है ना ही ज़्यादा पतला है, तो बिल्कुल इस तरीके का होना चाहिए, तो आपका केक बहुत ही परफेक्ट बनेगा। केक टिन में डालने के बाद इसे हल्का सा टैप कर दीजिए, ताकि कोई एयर होगी तो वो निकल जाएगी। और अब इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर दीजिए। और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं एक चीज़ इसमें और डालूंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर काजू बादाम और पिस्ते डाल देते हैं। और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें 1 पिंच इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर डाला है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। तो इसे डाल करके बस अब इसको रख देते हैं अपने प्रीहीट किए हुए बर्तन में। तो यहाँ पर हमारा बर्तन अच्छे से प्रीहीट हो चुका है, तो इसके अंदर कोई स्टैंड रख लीजिए इस तरीके से, या फिर कोई कटोरी या फिर इस तरीके की प्लेट रख लीजिए, जो भी है आपके पास वो आप रख सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने केक टिन को इस तरीके से रख दिया है। तो अब इस केक को हमें धीमी आंच पे पकाना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और यहाँ पर इसे ढककर कवर कर देते हैं। 30 से 35 मिनट में ये केक बन जाता है। जो लिड में होल है इसे बंद कर दीजिए। अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हैं तो ओवन को 180 डिग्री पे प्रीहीट कर लीजिए, उसके बाद आप इस केक को बना सकते हैं। पर 30 मिनट के बाद आप केक को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए केक हमारा बनकर तैयार हो चुका है, लगभग 35 मिनट हो चुके हैं। तो 30 मिनट के बाद मैंने एक बार चेक किया था, टूथपिक थोड़ी सी गीली थी और मैंने इसे 5 मिनट के लिए और बेक कर लिया। तो केक हमारा एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो चुका है अभी। और कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा बहुत बर्तन का भी फर्क पड़ जाता है, तो 30 से 35 मिनट में आराम से केक बन जाएगा। चलिए इसे निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। और जैसे ही केक हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा, हम इस तरीके से इसकी साइड को थोड़ा सा निकालेंगे। इस तरीके से थोड़ा बहुत चिपका होगा तो वो भी निकल जाएगा, वैसे चिपकता नहीं है बिल्कुल भी। और अब इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। और ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया। वाओ, देखिए कितना बढ़िया केक बन करके तैयार है, कितना प्यारा कलर आया है। तो ये हमारा सुपर सॉफ्ट सूजी मिल्क केक बनकर तैयार है। तो यहाँ पर मैंने इसे सूजी मिल्क केक का नाम इसलिए दिया है क्योंकि हमने इसे दूध और सूजी से बनाया है। तो ये हमारा ड्राई फ्रूट्स सूजी मिल्क केक बनकर तैयार है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस केक की रेसिपी को अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए इस क्रिसमस पर ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही लाजवाब बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, जाली आप देख सकते हैं इसमें। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।